हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम फैशनिस्ता और मैं हूँ आपकी दोस्त शकुन। आप सब कैसे हैं? अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं या नहीं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं मेरे साथ बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, जो सारा का सारा मैंने परचेज़ किया है मीशो से। और मीशो पे आपको पता है बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आजकल चल रहा है, तो मैंने वहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे से सूट सेट, कंप्लीट सूट सेट परचेज़ किए हैं जो माइंड ब्लोइंग है। उनमें से कुछ एक सूट आपको डेफिनेटली मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप उन बेकार की ड्रेसेस को परचेज़ करके अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ इसको वीडियो को बिना स्किप करे वॉच किया कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत जो है ना वो इतनी रंग नहीं ला रही है जितना मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वीडियो देखिए, यही आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। तो चलिए, इतनी बातों के बाद में अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पूरा कलेक्शन ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये देखिए, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो क्योंकि कलेक्शन बहुत सारा है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट ब्लैक सूट से, और एंड अभी मैं जो है इस वीडियो का लास्ट में भी आपको एक ब्लैक कलर का ही सूट सेट दिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो सूट सेट है वो है ये ब्लैक कलर, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट है, थ्री पीस सेट है ये। इसमें आपको मिलता है कुर्ता जिसका फैब्रिक क्रेप है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला क्रेप है। क्रेप फैब्रिक जो होता है वो होता है, आपको पता है कि वो श्रिंक नहीं होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली सूखने वाला होता है, प्लस उसको प्रेस की भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे क्रेप फैब्रिक इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये है कुर्ता, और इस कुर्ते में आपको यू नेकलाइन मिलता है, और नेकलाइन पर आपको मिलता है थ्रेड वर्क रेड कलर का, कहीं कहीं इन्होंने बीच बीच में सीक्वेंस वर्क भी दिया हुआ है। इसमें स्लीव्स मिलती हैं आपको, 3-4 स्लीव्स मिलती हैं प्रिंटेड, जो इसके जो पैरलर्स के साथ में जो प्लाजो आया है उससे मैच करती हुई है। वैसे ये कुर्ती पूरी प्लेन है, ब्लैक कलर की है, प्लेन ब्लैक है। ये देखिए इस तरह से इसका जो फ्रंट नेकलाइन है वहाँ पर आपको इस तरह से पट्टी लगी हुई मिली है, बैक और फ्रंट से ये प्लेन है एकदम, और इसमें जो है आपको बैक साइड से छोटू सा नेक मिलता है। बहुत ही कंफर्टेबल अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस होने वाला है। ये है कुर्ती, बहुत ही लाइट वेट है और देखने में एकदम महंगे वाले सूट का लुक आ रहा है, जबकि प्राइस इसका चीप है। इसके साथ में आता है इसका ये प्लाजो, जिसको ना मतलब जब मैंने परचेज़ किया था तो इसको जिसने भी देखा था हर कोई ये बोल रहा था कि ये तुमने सेपरेट एक लोवर टाइप का परचेज़ किया है कि इस प्रिंट में लोवर्स भी आते हैं, तो ये ना उनको बहुत पसंद आया था सबको कि ये सच में बहुत ही प्यारा सेट है, और अगर आप इसको टी शर्ट के साथ में पेयर अप करना चाहें तो ये लोवर उस पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। तो ये इसका प्लाजो आता है, और ये देखिए इसमें फुल्ली इलास्टिकेटेड है ये पूरा का पूरा, और इसमें प्रिंट देखिए आप इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आता है, नेवी ब्लू और ये पिंक वाइट ऑफ वाइट सब कॉम्बिनेशन इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए, और ब्रॉडनेस देख रहे हैं आप इसकी, अच्छे बड़े साइज़ को जाएगा। ये देखिए इसकी विड्थ मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लाजो है, ये देखिए फैब्रिक इसका भी क्रेप है और बहुत ही फाइन क्वालिटी वाला क्रेप है। इसके साथ में ना सबसे प्यारा सा जो पीस आया वो है इसका दुपट्टा, जो कॉटन फैब्रिक में है और क्रश्ड फैब्रिक जो होता है ना, जो अगर आप सेपरेट भी इस तरह का दुपट्टा परचेस करते हैं ना तो वो आपको विदिन 500 रुपीज़ मतलब 500 या 500 से ऊपर ही मिलता है, लेकिन ये विदिन 600 के सेट में आपको ये दुपट्टा भी मिल रहा है। ये देखिए, ये दुपट्टा पूरा क्रश्ड फैब्रिक है, ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉटन फैब्रिक है सॉफ्ट वाला एकदम, और इसमें चारों तरफ आपको वही प्लाजो वाले कपड़े का बॉर्डर मिलता है, चारों तरफ लगा हुआ पूरे दुपट्टे में आपको यही फैब्रिक का बॉर्डर लगा हुआ मिलेगा। ये देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ साइड में कि कितना प्यारा सा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा, और मतलब जितना ये प्राइस में अच्छा है उतना ही लुक वाइज बहुत प्यारा है। ये पूरा का पूरा सेटिंग बहुत सुंदर है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप इसको ऑर्डर कर दीजिए, कोड मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए ये है दूसरा सेट, ये ऑफ वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिल्वर और पिंक कलर की हुई है, बहुत ही प्यारी इसकी फाइन नेकलाइन पर पूरी पे एम्ब्रॉयडरी है इसके योग पार्ट पर, मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा है, और कुर्ती का फैब्रिक कॉटन है, इसमें आपको इस तरह से सेल्फ में ये सिल्वर कलर की लाइन पूरे फैब्रिक में मिलने वाली है। इस तरह से स्लीव्स इसकी फुल हैं, और फुल स्लीव्स में आपको यहाँ पर बीच में नेट लगी हुई मिलेगी स्लीव्स में, और लास्ट में आकर के आपको इस तरह से कॉटन की लेस लगी हुई मिलेगी, बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। स्लीव्स इसकी फुल जाएंगी, नेक लाइन जो है इसका मेंडेरियन है, देखिए इस तरह से। ये देखिए ये है इसकी कुर्ती, कुर्ती अभी नीचे आकर के आपको फ्रंट पार्ट में इस तरह से यहाँ पर लेस लगी हुई मिलेगी, जो स्लीव्स पर लगी हुई थी ये वाली नेट है, ये नेट लगी हुई मिलेगी आपको कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर, और नीचे आकर के वही कॉटन वाली लेस लगी हुई मिलेगी इसमें आपको, बहुत ही प्यारी सी। ये लेस आपको बैक साइड में भी लगी हुई मिल रही है, यहाँ पर इसके बैक साइड में भी ये लेस लगी हुई है, नेट नहीं है बैक साइड में, और कुर्ती ओवरऑल आपकी प्लेन जाएगी, वैसे पूरी में ये सिल्वर कलर के स्ट्राइप्स ये लाइन आपको पूरी कुर्ती में देखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये मैंने साइज़ एल ऑर्डर किया हुआ है और ये मुझे नहीं आ रहा है, मेरे को मीडियम साइज़ आता है नॉर्मली, लेकिन ये कुर्ती में मुझे
लार्ज भी नहीं आ रहा है इसका। आप देखिए वेस्ट साइज़ देखिए, ये किसी स्मॉल साइज़ को जाएगा, ये मीडियम को भी नहीं आने वाला है। देखिए बहुत ही ज़्यादा पतला है, आई डोंट नो इसमें साइज़ में बहुत कंफ्यूजन है। मैंने लार्ज मंगाया था लेकिन ये लार्ज भी इतना छोटा है, ये मीडियम मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं कुंजनी में आता नॉर्मली, तो ये कॉटन में मैंने लार्ज इसमें मंगाया था, थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाता है तो फिर बाद में फैब्रिक मतलब कपड़ा जो है पहनने के लिए लायक नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगाया था, बट ये मुझे लार्ज भी नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा सोच समझ के अपना साइज़ ऑर्डर करना है इसमें। इसके साथ में जो इसकी पैंट आई है वो है रेयन फैब्रिक में, लेकिन ये थोड़ी सी मिसमैच जा रही है, मतलब ये ऑफ वाइट लग रही है, क्रीमिश लग रही है ये, और वो थोड़ा सा वाइट लुक दे रही है। दोनों अभी यहाँ पर लाइट में सेम लग रही है लेकिन एक्चुअल में देख रहे हैं या तो फैब्रिक में उसमें थोड़ी सी शाइन है और ये रेयन है एकदम, इसमें कोई शाइन नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा उसके साथ जा नहीं रही है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। और इसमें नीचे की साइड ना इस तरह से लेस दी हुई है पैंट में, चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ इसकी। देखिए ये है इसकी इलास्टिक, फुली इलास्टेड है, विड्थ आपको दिखाती हूँ, देखिए अच्छी बड़ी है, परफेक्ट है बिल्कुल सब कुछ। लेकिन इसकी ना ये नीचे आकर के ये जिसमें लेस दी हुई है ये बहुत बेकार, रियल में बिल्कुल बेकार, पुरानी सी ऐसा लग रहा है, सिर्फ फेड हो गई है, बहुत अच्छा सा लुक इसका नहीं आ रहा है। तो ये कुर्ता सेट मुझे अच्छा नहीं लगा, कुर्ता बहुत प्यारा है बट कंप्लीट सेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो ये देखिए इस तरह से इसका ये फेडेड लुक आ रहा है, इसमें वीडियो में अच्छी लग रही है बट ना रियल में ये बहुत ज़्यादा फेड लग रही है। देखिए मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों दिया उन्होंने। इसके साथ में ना इसका दुपट्टा भी आया वाइट कलर का जो क्रेप मटेरियल में है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्रेप बहुत फाइन क्वालिटी वाला ऐसा पहला सेट दिखाया था उसका था ना, वैसा नहीं है इसका क्रेप, देखिए अच्छा नहीं है। और इसमें भी वही वाली लेस लगा रखी है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं है, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर कैसी हो रही है ये लेस है ना। और ये लेस भी वही बेकार वाली फेडेड सी लेस लगा के दी, कॉटन की लेस है, आई डोंट नो, हो सकता है कॉटन की लेस ऐसी फेडेड होती है या ये सच में फेड हो रही है। तो ये देखिए मुझे इसका दुपट्टा भी पसंद नहीं आया, तो ये ओवरऑल ये सूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये कुर्ता सेट ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वाइट वाला, मतलब इसका सिर्फ कुर्ता कुर्ता अच्छा है, उसमें साइज़ इशू है, और जो नीचे का लोवर है इसका और जो इसका दुपट्टा है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे। तो ये बहुत बेकार लगा मुझे, जितना इसका प्राइस है, प्राइस में मेंशन कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो थर्ड पीस है वो है ये येलो कलर का कुर्ता सेट, देखिए इसमें पूरे में आपको इस तरह से गोटा पट्टी और पिंक कलर के फ्लावर ग्रीन कलर की लीफ बनी मिलेंगी, गोटा पट्टी वर्क है, काफ़ी ज़्यादा ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका फैब्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसका फैब्रिक रेयन है, इसका फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट पर आपको मिलती है नेकलाइन इस तरह से, बहुत सुंदर सा वर्क है इस पर। और ये ना आपको मिलती है 3/4 sleeves के साथ में, 3/4 sleeves में आपको यहाँ पे आकर के गोटा पट्टी वर्क दिया हुआ है, साथ ही टेजल लगा करके दिए हैं, बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है देखने में। बस इसका जो फैब्रिक है उसमें रेयन में थोड़ा सा सिंथेटिक मिक्स है, तो शायद उसकी वजह से श्रिंक ना हो, इसका कलर भी ब्लीड ना हो, लेकिन ये पीस वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो कुर्ती है ना इसमें आपको चाक पर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, सेम एम्ब्रॉयडरी दोनों तरफ इस तरह से देखे यहाँ पर, ये एम्ब्रॉयडरी आपको दोनों तरफ मिल रही है इस पर, बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। लेकिन जो फोटो में दिया हुआ है आपको मैं दिखा रही हूँ, फोटो में इसकी जो एम्ब्रॉयडरी का कलर है थोड़ा सा डार्क मैजेंटा है और रियल में ये डबल शेडेड है, बीच में लाइट शेड है और उससे भी लाइटर शेड उसके आउटसाइड में इसमें फ्लावर्स में दिया हुआ है। देखिए ये फॉयल मिरर्स लगे हुए हैं और लुक बहुत प्रिटी आ रहा है इसका। नीचे जा करके इसमें कुर्ती में आपको बैक और फ्रंट दोनों पर ये टेजल्स लगा करके दिए हैं इन्होंने, कॉटन की लेस है ये जो इन्होंने इसमें लगा करके दिए। देखिए तो कुर्ती बहुत प्यारी लगने वाली है पहनने के बाद में, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा लुक आने वाला। अगर आप येलो कलर लवर हैं, आपको येलो कलर बहुत पसंद आता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ में आती है इसकी पैंट, और पैंट भी आपको सेम मटेरियल मिलती है, पैंट मैं आपको दिखाती हूँ विड्थ वगैरह। ये देखिए ये है इसकी इलास्टिक, सॉफ्ट वाली इलास्टिक डाल करके दी है, विड्थ देखिए लार्ज साइज़ में इतनी है इसकी विड्थ। अब ये सबको फिट आएगा नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, ये वो निकलने का बहुत डर रहता है यहाँ से ना, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे ले मीशो वाले तो कितना अच्छा होगा, ये बहुत जल्दी फट जाते हैं यहीं से ना लोवर, वैसे तो इसमें इंटरलॉक वगैरह करके दिया है। और इसकी जो नीचे की साइड जाकर के बॉटम पार्ट पे आपको पैंट है, ये पैंट में आपको वही गोटा पट्टी का काम मिलता है जैसा स्लीव पर दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा सा लग रहा है फैब्रिक, इसका शायद श्रिंक नहीं होगा, इसमें सिंथेटिक मिक्स है इसलिए। दुपट्टा मिलता है आपको इसका डबल शेडेड, और डबल शेड में ना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा है देखिए इस तरह से, और दुपट्टे के जो फॉल है उस पर आकर के आपको वही गोटा पट्टी का वर्क मिलता है, सिल्वर कलर का गोटा पट्टी इस पर लगा करके दिया है। और दुपट्टे का फैब्रिक है जॉर्जेट और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा आपका लुक आने वाला है इसका पहनने के बाद में। तो कंप्लीट सेट बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऑफिस गोइंग है या फिर आप कॉलेज गोइंग है, अगर आपको इस तरह के कलर्स वगैरह पसंद है तो आप इसको डेफिनेटली पहन सकते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक इसमें आने वाला है आपका। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की, नेक्स्ट ड्रेस जो है वो है एक शरारा सेट, बहुत ही मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये देखिए, ये है जी शरारा सेट, इसमें आपको दिख रही है यहाँ पर कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से पूरी एम्ब्रॉयडरी कर रखी है इन्होंने, और इसके योग पार्ट पर पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। देखिए ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी, वाओ कितनी प्यारी, पूरी फिनिशिंग से है,
सिल्वर जरी वर्क है ये पूरा, इसमें जो हुआ हुआ है। और ये भी मैंने लार्ज साइज़ मंगाया हुआ है, इसमें नेकलाइन आपको दिख रहा है, इसका यू शेप है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसमें गोटा पट्टी वर्क, इसकी स्लीव्स पर 3/4 स्लीव्स हैं इसकी। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छा वाला रेयन है, जिस तरह की इसका रेट है उस हिसाब से सच में ये बहुत अच्छा पीस है। मुझे मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, बेबी पिंक कलर, पिंक कलर तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसका जो चाक है उस पर भी आपको साइड में जाकर के इस तरह से गोटा पट्टी वर्क मिलेगा, और नीचे आकर के ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कोई वर्क नहीं है। चाहते तो वो नीचे भी यहाँ पर गोटा पट्टी वर्क दे सकते थे, 2 या 3 लाइन तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है, इस तरह से दोनों तरफ चाक पर आपको गोटा पट्टी वर्क मिलेगा। बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है कुर्ती, इस पर कोई वर्क नहीं है, बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील कराने वाला है। इसके साथ में आता है पिंक कलर का शरारा, आपको पता है शरारा इन है इस टाइम ट्रेंड में, तो ये शरारा सेट मैंने इसे परचेज़ किया। ये देखिए ये फुल इलास्टिकेटेड है, और शरारे की विड्थ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छा खासा है, लार्ज साइज़ में बहुत बड़ा साइज़ है, आपको इजीली आ जाएगा चाहे आप कितने हेल्दी क्यों ना हो। ये शरारा का लुक देखिए, यहाँ पर आपको गोटा पट्टी वर्क मिलेगा, फ्लेयर इसका आपको दिख रहा है, ये है इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है, और नीचे आकर के भी आपको उस पर गोटा पट्टी वर्क मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा ये सेट मुझे लगा, बहुत सुंदर है, तो अच्छा खासा सेट है। अभी इसका जो मेन पॉइंट है ना, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है, वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही अच्छी वाली नेट में दिया है, और पूरे दुपट्टे पे आपको ये वाला सीक्वेंस वर्क देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये दुपट्टा सेट ना, ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारा सेट है यार। और इसमें चारों तरफ आपको इस तरह से गोल्डन कलर की लेस लगा के दिया, दुपट्टा बहुत प्यारा है, बहुत ही बढ़िया है, लुक भी ठीक है, और इसका साइज़ भी परफेक्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ब्रॉडनेस आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी है। तो ये आपके पूरे शरारा सेट को बहुत प्यारा सा लुक देने वाला है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओके तो अब बात करते हैं जी नेक्स्ट की, इनके सबके प्राइस मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, कोड वहाँ पे शेयर कर दूँगी। सारे के सारे ही मीशो से परचेज़ किए हैं, आप इजीली वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अब दिखाती हूँ आपको सबसे लास्ट सेट जो है, ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है इसको दिखाते हुए, कोई अमेजोन से दिखा रहा है, कोई मीशो से, मैंने ये मीशो से परचेज़ किया है, और ये मुझे 800 समथिंग रुपीज़ का मिला है। ये है कुर्ता सेट पूरा दुपट्टे के साथ में, ये है कुर्ते का फ्रंट लुक जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है, और यहाँ पर आपको मिलता है ये कोई मिरर वर्क वगैरह नहीं है, जरी वर्क है पूरा यहाँ पर, ये सारा का सारा बहुत लाइट वाला गोल्डन कलर है ये, जो यहाँ पर पूरा जरी वर्क हुआ हुआ है, और यहाँ पर आपको फॉयल मिरर लगे हुए मिल रहे हैं यहाँ पर मैजेंटा के साथ में। बहुत ही सुंदर सा लुक इसका आने वाला है देखिए इस तरह से, और ये ना इसका टेजल्स लगाए हुए हैं इन्होंने, ऑरेंज मैजेंटा के कॉम्बिनेशन में इन्होंने यहाँ पर टेजल्स लगा के दिए हैं बहुत ही प्यारे से। और पूरी कुर्ती पे आपको फ्रंट में ना पूरी कुर्ती पे इस तरह से गोटा पट्टी लगा हुआ मिलेगा, ये देखिए नीचे तक ये ही वाला गोटा पट्टी का वर्क आपको पूरी कुर्ती के नीचे तक मिलने वाला है। इसमें ना आपको फ्रंट में जैसे कुर्ती का ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर आपको बांधने के लिए ये डोरी दी हुई है, और उसमें भी आपको आगे आकर के इस तरह से टेजल्स लगा करके दिए बहुत ही प्यारे से। ये आता है 3/4 स्लीव्स के साथ में, और इसकी स्लीव्स पर भी आपको यहाँ पर गोटा पट्टी का काम मिलेगा, और इसका फैब्रिक है कॉटन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन है। ब्लैक कलर कलर जाएगा नहीं जाएगा उसका भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये नया पीस मेरे पास रखा हुआ है, तो ये इस तरह से मिलता है। और इसमें आपको नीचे आकर के ना इस तरह से टेजल्स लगे हुए मिलते हैं पूरी कुर्ती पर, ये देखिए बैक में भी और फ्रंट में भी आपको टेजल्स लगे हुए मिलेंगे। बैक साइड से ये कुर्ती पूरी पहन जाएगी ब्लैक कलर की, ये देखिए। और इसके साथ में इसकी आती है पैंट, पैंट पर भी आपको पैंट फुल इलास्टिकेटेड है, इलास्टिक थोड़ी सी टाइट वाली मुझे लग रही है, लेकिन वैसे ठीक है। और देखिए विड्थ इसकी ये है, लार्ज में है ये साइज़, विड्थ इसकी इतनी आती है, और नीचे जाकर के आपको इस पर इस तरह के टेजल्स लगे हुए मिलते हैं, और साथ में गोटा पट्टी वर्क मिलता है, बहुत ही अच्छी है, फाइन क्वालिटी वाला कॉटन है, दोनों का ही सेम फैब्रिक है, डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा आता है ब्लैक और मैजेंटा के कॉम्बिनेशन में, बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है, और दुपट्टे में कपड़ा जो है शिफॉन जॉर्जेट मिक्स है, और इसमें आपको सिल्वर कलर की लेस लगी मिलती है, जो इसका कॉलर पे दोनों तरफ इतनी चौड़ी वाली, और साथ में पूरे में ब्लैक कलर के टेजल्स हैं दोनों तरफ, और इसमें बाकी की साइड्स जो हैं दो बड़ी वाली साइड्स जो बची हुई लंबी वाली, उनमें ये इस तरह का सिंगल गोटा वर्क आपको देखने को मिलेगा पूरे दुपट्टे में। तो वीडियो में आपको क्लियर हो रहा होगा इसका लुक, ये परचेज ना सारी बहुत अच्छी है, इसमें से बहुत सारी सोच रहे हैं ऑलरेडी मेरी फ्रेंड्स ने मतलब कह दिया है कि या तो हमारे साइज में मंगा दो, जिनके पास भी ये साइज़ जा रहा है ना वो सब इनको परचेज़ करने वाली हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से जाके इनको कोड के थ्रू खरीद सकते हैं जल्दी से जल्दी। और क्वालिटी में जिसमें मैंने मुझे इशू लगा मैंने वो आपके साथ में डिक्लेयर कर दिया, आपको क्लियर कर दिया है कि इशू किस क्वालिटी में लग रहा है, कहाँ पर जाकर लग रहा है। तो इनमें से बाकी के सारे सूट सेट बहुत अच्छे हैं, बस एक वाइट वाले को लेकर मुझे इशू है, तो मैं उसको रिटर्न पर डालने वाली हूँ, क्योंकि वो साइज़ भी मेंशन जो उन्होंने किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। बाकी के साइज़ बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, लार्ज वाले साइज़ बिल्कुल लार्ज लोगों को जा रहे हैं, मीडियम वाले मीडियम को जाएंगे, स्मॉल वाले स्मॉल को जाएंगे, लार्ज साइज को लेकर के कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी सब में
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना प्लीज़ इसको अब तो लाइक करके जाइए, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। तो दोस्तों ये था आज का कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया ना तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारे लाइक दिलवाइएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे थे इसको सब्सक्राइब करिए जरूर, अभी के अभी इसका सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी वीडियोज़ के और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।